सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ, प्रसन्न और खुशहाल होंगे। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपने कर्तव्य दिखला के। इन पंक्तियों के साथ मैं आज अपने सत्र की शुरुआत कर रही हूँ। पंक्तियों का भावार्थ बस यूं समझिए कि आपके लिए ही है। आपको इसे अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए कि जितने भी श्रेष्ठ लोग होते हैं या महान लोग होते हैं, वो अपना सम्मान खुद पाते हैं। किसी किस गोत्र के हैं, किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, किस जाति के हैं, किस परिवार से हैं, ये बतलाकर वो अपना सम्मान नहीं पाने की कोशिश करते, बल्कि वो अपने कर्तव्य, अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी पहचान बनाते हैं और अपने पुरुषार्थ के नाम से जाने जाते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो चलिए अब हम लोग आज अपने इस पाठ की ओर चलते हैं, पाठ 5। अभी तक आप लोगों ने पाठ 4 के सारे काम कर लिए हैं, अब हम लोग पाठ 5 में सीखो कविता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है केवल पढ़ने के लिए। कुछ हमारी हमारे अभ्यास सागर में और सॉरी ज्ञान सागर में कुछ ऐसे भी पाठ हैं जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, केवल पढ़ने के लिए हैं। उससे कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछे जाते। कई बार शब्दार्थ पूछे जाते हैं, तो मैं शब्दों के अर्थ आपको लिखवा दूंगी और बता भी दूंगी। भावार्थ आपको समझना चाहिए क्योंकि एक चुनिंदा कविता है ये, इसके भावार्थ को समझना आपको जरूरी है। तो आप भावार्थ समझ लीजिए और कविता को याद करिएगा। ये कविता बहुत ही अच्छी है और खाली समय में जब आप खाली होते हैं तो इस कविता को गुनगुनाइए। ये कविता आपको प्रेरित करेगी सच्चे राह पर चलने के लिए और खूब ऊर्जावान और उत्साह आपके अंदर ऊर्जावान बनने के लिए प्रेरित करेगी और आपको उत्साही बनाएगी। उत्साह माने उमंग आपके अंदर भरेगी। चलिए हम लोग पहले कविता के कवि को से परिचित हो जाते हैं। श्री विनोद चंद पांडे विनोद इस कविता के कवि हैं। ये बाल साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। बच्चों के हित और बच्चों के से संबंधित कविता लिखते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि का शैशव फिर पुनः लौट आया है और वो बिल्कुल कविता को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हर बच्चे के लिए आराम से ग्राह्य हो या ग्रहण करने योग्य हो। अब हम लोग सीखो कविता की ओर चलते हैं। सब बच्चे अपनी किताब खोल लीजिए और मेरे साथ साथ ही कविता का लयबद्ध शुद्धोच्चारण कीजिए। सदा परिश्रम करना सीखो, मातृभूमि हित मरना सीखो, कभी न दुख में डरना सीखो, कष्ट सभी का हरना सीखो, अपने पथ पर बढ़ना सीखो, गौरवगिरि पर चढ़ना सीखो, अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो, चरित समुज्ज्वल गढ़ना सीखो, मीठी बातें कहना सीखो, हंसकर सुख दुख सहना सीखो, स्नेह सिंधु में बहना सीखो, मेल जोल से रहना सीखो, जननी की जय गाना सीखो, जग को राह दिखाना सीखो, सच्चाई अपनाना सीखो, प्रभु की को शीश झुकाना सीखो, सदा परिश्रम करना सीखो। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पहले एक कविता जरूर पढ़ी होगी। थी कविता कुछ इस तरह से थी कि फूलों से हम हंसना सीखे, भौरों से हम गाना। आप लोगों ने ये सीखा होगा। आप सीखते कहाँ से हैं? सीखते आप अपने परिवार से हैं, अपने विद्यालय से हैं, अपने आसपास के वातावरण से हैं, अपने आसपास के परिवेश से हैं और प्रकृति से हैं। ये चीज़ें हमें नित हर पल कुछ न कुछ सिखाती हैं।
तो जो अभी मैंने कहा फूलों से हम हंसना सीखे, भौरों से हम गाना, ये कविता हमें सिखाती थी कि हम प्रकृति से क्या सीखें, हमें पहाड़ से क्या, सूरज से हम नित जगना और जगाना सीखते हैं। तो इस तरह से प्रकृति हमें क्या सिखाती है ये हम सीखे, जो हमने अभी कविता की पंक्ति कोट की उसमें। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी सीखने के लिए कही गई हैं जो हमारे चरित्र को उज्जवल बनाती हैं, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में ले जाती हैं। तो चलिए हम लोग कविता का अब भावार्थ समझेंगे कठिन शब्दों के अर्थ के साथ। सदा माने हमेशा, परिश्रम माने मेहनत, तो हमेशा मेहनत करना सीखो। ये सच कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये तो आप सब जानते हैं। तो ये पहली पंक्ति में आपने सीखा कि हमेशा मेहनत करना सीखो, मेहनत से कभी नहीं भागना है। दूसरी पंक्ति में क्या बताया जा रहा है, मातृभूमि हित मरना सीखो। मातृभूमि, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, यदि नहीं याद है तो आप ये जान लीजिए कि बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अर्थात जननी माने जो जन्म देती है माँ, और जन्मभूमि माने जिस जन्मभूमि पर हम जन्म लेते हैं, यानी हमारी मातृभूमि। ये दोनों किससे महान है, स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। कितना महान बताया गया है माँ और मातृभूमि को। तो हमें हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर, सर्वस्व माने सब कुछ, न्यौछावर माने त्याग या कुर्बानी या बलिदान करने की हमें हमारे अंदर ये हर समय उत्कंठा होनी चाहिए, ये चाह होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकें। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ आपने समझा, कभी न दुख में डरना सीखो। कई बार दुख आता है मनुष्य के जीवन में, सुख दुख तो गाड़ी के पहिए की, सुख दुख तो मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं, और ये क्रम है कि सुख आया फिर दुख आया, जैसे रात दिन, जैसे ऋतु चक्र बदलता है वैसे सुख दुख भी बदलता रहता है, कभी एक सा समय नहीं होता। तो कभी सुख आया तो हम इतने प्रसन्न हो गए, और दुख आया तो मन उदास कर लिए, डर गए, छिप गए, बैठ गए, ऐसा नहीं। दुख से डरना नहीं है, दुख से दो चार होना है, दुख का सामना करना है, और बड़े ही धैर्य से। तो दुख में ये अगली तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि दुख से मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, बल्कि दुख से, दुख का सामना बहादुरी से और हिम्मत से, धैर्य से करना चाहिए। कष्ट सभी के हरना सीखो। अपने कष्ट को तो मनुष्य झेल ही लेता है, लेकिन कोशिश करे कि दूसरों की आंखों के आंसू भी चुरा ले, दूसरों के दुख भी दूर करने की कोशिश करें। अपने लिए तो जानवर जीते हैं, हम मनुष्य हैं तो हमें औरों के लिए भी जीना आना चाहिए। इसलिए हम दूसरों के दुख को भी, कष्ट को भी दूर करने के काबिल बने और कोशिश भी करें। अगली पंक्ति है, अपने पथ पर बढ़ना सीखो, गौरव गिरि पर चढ़ना सीखो। तुमने एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य की दिशा में तुमने अपनी राह तय की कि हमारा ये लक्ष्य है और हमें इस राह पर चलकर जाना है। हमेशा समाज में दो तरह की राह आपको दिखेगी, एक सच्चाई की, अच्छाई की, और एक बुराई की। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस राह पर चलकर अपने लक्ष्य की दिशा में जाएंगे। हर एक बच्चे से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह को ही चुनेगा, रास्ते को ही चुनेगा, और अपने मंजिल तक पहुँचेगा। तो यही कहा गया है कि उस सच्चाई और अच्छाई की राह में यदि कोई अड़चने आती हैं, यदि कोई बाधाएं आती हैं, यदि कोई दिक्कत आती है, तो उससे हमें पार कर जाना है, उसमें बिना घबराए और बिना अपने राह को छोड़े
कि इस राह पर हमें कठिनाई आ रही है, तो चलो हम भी आम लोगों के रास्ते पर चल चलते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपने पथ पर ही आगे बढ़ना है और गौरवगिरी पर चढ़ना है। गौरवगिरी, गौरव माने सम्मान, गौरव माने प्रतिष्ठा, गौरव माने आदर और गिरी माने पर्वत। तो हमेशा अपने सही राह पर चलते हुए सम्मान और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचना है। गिरी माने पर्वत, शिखर पर माने पर्वत की चोटी पर। किस पर्वत की चोटी पर? सम्मान की, प्रतिष्ठा की चोटी पर पहुंचना या शिखर पर पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? अपने आदर्श रास्ते पर चलकर। अब हम अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो, चरित्र समुज्ज्वल गढ़ना सीखो। अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो। अच्छी पुस्तक आप से क्या तात्पर्य है? पहली बात तो मैं आज ये जरूर आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि प्रायः बच्चों का रुझान पुस्तकें पढ़ने की ओर से धीरे धीरे हट रहा है। जब मैं पहले पुस्तक मेला वगैरह में जाती थी, जब मोबाइल का कल्चर नहीं था, इस कदर इतना बढ़ा हुआ नहीं था मोबाइल के उपयोग और मोबाइल का प्रयोग, तब मैं देखा करती थी कि पुस्तक मेलों में कितनी भीड़ हुआ करती थी बच्चों की। वो तितली की तरह पुस्तक के ऊपर मंडराया करते थे, अपने पेरेंट से जिद किया करते थे, मेरे लिए ये किताब ले लीजिए पापा, ये कहानी की किताब, ये कविता। लेकिन अब मैं जब पुस्तक, मेरी तो आदत है कि मैं कभी भी पुस्तक मेला लगा मुझे जाना ही है। और किताब का जैसे मुझे क्या मैं बताऊँ, एक जैसे बहुत ही रुचि है किताबें लेने, पढ़ने और इकट्ठे करने की। तो किताबों, मैं हर पुस्तक मेले में जाती हूँ, लेकिन अब पुस्तक मेले में बच्चों की वो, बच्चों का वो मंडराना, बच्चों का वो ज़िद करना मुझे कम दिखाई देता है। मैं इस बारे में आपको सचेत कर देना चाहती हूँ, आपको जागरूक करना चाहती हूँ कि कितने भी आप सोशल मीडिया से, कितने भी आप मोबाइल और विभिन्न ऐप से जुड़े हों, किंतु किताबों का अपना एक अलग महत्व है। आप किताब निश्चित खोलिए, निश्चित रूप से इन दोनों में कोई बराबरी नहीं है, किंतु इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई भी अच्छी किताब आपको गुमराह नहीं कर सकती। लेकिन कई बार आप जब YouTube चैनल खोलते हैं या कोई भी मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलते हैं, तो उसमें 10 ऐसी भ्रामक चीज़ें भी सामने आती हैं कि आपका ध्यान उधर पड़ जाता है और आप गुमराह होने के तरफ कहीं कदम बढ़ा सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। लेकिन किताबें ऐसी माध्यम है जो आपको सिर्फ सही दिशा ही बताती हैं, लेकिन अच्छी किताबें। ठीक है बच्चों, तो किताबों के ऊपर चुकी ये पंक्ति है, तो मैंने आज इतनी बातें आपको समझाई कि आप किताबों से नाता जोड़िए, नाता, किताबों की खुशबू आपको बुलाए कि आइए हमें पढ़िए, और जहाँ भी आपको अच्छी चीज़ मिले आप पढ़ने की आदत डालिए। यहाँ तक कि मैं कुछ बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों में तो ये आदत होती है कि कागज के ठोंगे में यदि कुछ खाने की वस्तु मिलती तो उसे भी खोलकर पढ़ते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, कुछ सीखने की चीज़ है। इस तरह की चाह आपके अंदर किताबों और पढ़ने के प्रति होनी चाहिए। अपने विषय से हटकर, आपके जो विषय हैं, आपके 4-6 जो मेन विषय हैं, केवल उन्हें ही नहीं पढ़ना है, उनसे अलग भी चीज़ें बहुत सी आपको पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग विषय पे आते हैं बच्चों। अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो, ये तो आप अच्छे से समझ लिए होंगे, और चरित्र समुज्ज्वल गढ़ना सीखो। अच्छी पुस्तकों से हम कहाँ से सीखते हैं? अच्छी पुस्तकों से भी तो सीखते हैं। आप लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा कि उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छे नाटक देखे, उन सब का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसे ही आप किसी भी महान पुरुष के बारे में आप पढ़िए, APJ अब्दुल कलाम, या किसी के भी बारे में आप पढ़िए, तो आपको ऐसा तुरंत समझ में आएगा कि उनका गहरा नाता पुस्तकों से था, और पुस्तकें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरित की
अच्छाई की दिशा में और ऊंचाई की दिशा में बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना सीखिए और उन पुस्तकों से जो ज्ञान मिला और अपने माता पिता अपने शिक्षक आदि से जो ज्ञान मिला उससे गौरव या प्रतिष्ठा के गिर पर या सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। अब आगे मीठी बातें कहना सीखो, हंसकर सुख दुख सहना सीखो, मीठी बातें कहना सीखो। आप लोग ये बात जानते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। आप लोग को ये बात मालूम है कि मीठी बोली का जो प्रभाव पड़ता है वो कड़वी बोली का कभी नहीं, जबकि दोनों ही चीज, दोनों ही बातें एक ही, आप हित की ही बात करेंगे लेकिन अगर मधुरता से कहेंगे तो उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, यदि आप कड़ाई से बोलेंगे तो उसका निगेटिव नकारात्मक असर भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग असर को नकारात्मक मत पढ़ने दीजिएगा। कभी आपसे कोई कड़वा भी बोल दे तो आप उसकी गहराई को समझ करके उसके सकारात्मक असर को ही अपने ऊपर डालने की कोशिश करिएगा। तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि मधुर वाणी का क्या असर होता है। मीठी वाणी हमेशा बोलिए, इससे आपका सामने वाले पर प्रभाव भी पड़ता है और मीठी वाणी से आप खुद भी खुश रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हंसकर दुख सुख सहना सीखो। दुख और सुख, जैसा कि मैंने बताया कि जीवन चक्र है, कभी दुख कभी सुख, ये जीवन चक्र है, जीवन में आता रहेगा। लेकिन दुख आए तो भी और सुख आए तो भी समभाव से, एक जैसे भाव से दोनों को आप स्वीकार कीजिए और उसमें भी आप सामान्य और खुश रहिए, और ये सोच करके कि ये जीवन का एक फेज़ है, ये जीवन का एक चरण है जो कि निकल जाएगा अगर दुख आया है, और आगे बढ़िए। उस समय अपने मन मस्तिष्क को बहुत ही सामान्य और बहुत ही बैलेंस संतुलित रख करके जीवन में आगे बढ़ जाइए, दुख में भी और सुख में तो खुश रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। स्नेह सिंधु में बहना सीखो, मेल जोल से रहना सीखो। स्नेह, स्नेह माने प्रेम, स्नेह माने प्रेम, और सिंधु माने सागर। कभी आप मेरा, आप शीशे के सामने खड़े होइए और एक अपने एक वाक्य बोलिए जिसमें आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए वाक्य बोलिए। और कभी आप जब गुस्से में हैं तो अपना गुस्से वाला चेहरा भी शीशे में देखिए, दोनों में आपको नज़र आएगा कि आप जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप कितने अच्छे लग रहे हैं, और जब आप गुस्से में हैं तो आप खुद ही अपने आप को नहीं अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप जब जिस रूप में बुरे लग रहे हैं वो क्यों अपनाएं, जिस रूप में आप अच्छे लग रहे हैं वही रूप हमेशा अपनाएं, मुस्कुराएं, सबसे मिलजुल कर रहें, हमेशा खुश रहें। इसी रूप में आप खुद भी अच्छे लगते हैं और सबके लिए भी अच्छे बन जाते हैं। तो यही कहा गया कि स्नेह सिंधु, स्नेह माने प्रेम के सागर में गोते लगाना सीखो या बहना सीखो, तब देखो कि कितनी खुशी मिलती है, कितना खुश होता है आदमी। मेल जोल से रहना सीखो, हमेशा मिलजुल कर रहना सीखो। कभी आपकी अपने दोस्त से किसी बात पे तकरार हो जाती है, या आपके दोस्त से किसी बात पर बहस हो जाती है या विवाद हो जाता है, उस दिन आपका मन हर समय अशांत रहेगा, आज मेरी ये बहस हो गई, आज मैंने ऐसा क्यों कह दिया, या उसने ऐसा मुझे क्यों कह दिया, आपका मन अशांत रहेगा। लेकिन आप जब मिलजुल कर अपने दोस्त मित्र अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं तो आप कितने निश्चिंत मन से रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, कोई चिंता नहीं, जैसे कोई बोझ नहीं है दिमाग पर, सर पर, और आप खुश रहते हैं। तो क्या करना है हमें, जीवन में मेलजोल करना सीखना है, हर से मिलजुल कर रहे हैं हम,
जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाता है और अपना न पानी का अस्तित्व पानी रह जाता है, न दूध का अस्तित्व दूध अलग, बल्कि दूध और पानी एक हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी सबसे मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जननी की जय गाना सीखो, जग में जग को राह दिखाना सीखो। जननी माने जन्म देने वाली यानी माँ, माँ से यहाँ पर दोनों माँ से है, एक मातृभूमि और एक माँ जो हमें जन्म देती है। फिर से यहाँ पे कहा गया है कि माँ और मातृभूमि की जय जयकार करना सीखो। जय जयकार करना माने उनकी उनके लिए अच्छे शब्द, उनके सम्मान के लिए शब्द, जैसे मातृभूमि के लिए आप नारे लगा सकते हैं, माँ के लिए दो अच्छी वाक्य बोल सकते हैं। बस माँ को और क्या चाहिए, सिर्फ इतना ही, दो अच्छे वाक्य आप बोल लें। माँ को और उससे अधिक उम्मीद आपसे नहीं होती, वो केवल देती है, आपसे उम्मीद बस इतना करती है कि आप अच्छे से बोलना सीखें। तो माँ से अभी बच्चों मातृ दिवस आने वाला है, आप लोग भी जानते हैं, तो आप उसमें अच्छे से भाव अपनी माँ के लिए अच्छी कविता लिखकर या अच्छे कुछ वाक्य लिखकर चुपचाप मम्मी को उस दिन जरूर दीजिएगा। देखिएगा उसके चेहरे की खुशी, उसकी आंखों में जो खुशी के आंसू छलछलाएंगे, उसका मोल कीजिएगा कि कैसे भाव हैं आपके लिए उसके मन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या जाने कि जननी की जय गाना सीखो, जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि को पूज्य मानकर उनके बारे में अच्छी बातें अच्छे विचार रखना सीखो। जग को राह दिखाना सीखो, जग को राह। बच्चों कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे बनिए कि आप मानक बन जाए, मानक बन जाए माने आदर्श बन जाए, माने आप प्रमाण बन जाए, लोग कहें कि देखो वो बच्चा, वो तुम्हें कोट किया जाए, कुछ ऐसे बनो, ऐसी कोशिश करो, तभी तुम जग को राह दिखाओगे, तब तुम जो भी काम करोगे जग माने दुनिया उसको फॉलो करेगी, उस तुम पथ दर्शक बन जाओगे और दुनिया तुम्हारे पद चिन्हों पर चलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, अपने बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी मेहनत का इस्तेमाल और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के द्वारा तुम उस जगह तक पहुंच सकते हो जहां पर महात्मा गांधी, जहां पर नेहरू जी, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री, जहां पर सुभाष चंद्र बोस, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे असंख्य लोग जिनके पद चिन्हों पर चलने पर मनुष्य गौरवान्वित होता है, ऐसे तुम बन सकते हो। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि तुम जग के मानक बनो, जग के आदर्श बनो, ऐसे आदर्श बनो जिसके पीछे चलने के लिए दुनिया, जिसके बताए रास्ते पर चलने के लिए दुनिया बेचैन हो जाए, बिल्कुल उत्साहित रहे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जग को राह दिखाना सीखो, सच्चाई अपनाना सीखो। फिर वही सच्चाई की बात जो कि आपने अभी सत्यपाल वाले पाठ में भी पढ़ा था, पुरस्कार में भी सच्चाई की ही पूरी बात थी, और यहाँ फिर सच्चाई को अपनाना सीखो, सच के रास्ते पर चलो और सच को विचारो, बोलो और आचरण करो। आचरण माने व्यवहार में लाओ। अब चलते हैं हम लोग, प्रभु को शीश झुकाना सीखो। प्रभु को माने ईश्वर को अब नतमस्तक होना सीखो, यानी ईश्वर को प्रणाम करना सीखो। प्रणाम से मतलब ये नहीं कि बस हाथ जोड़े हो गया, नहीं, ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना सीखो। ईश्वर हमें कभी भी झगड़ा करना नहीं सिखाते, ईश्वर हमें प्रेम से मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, ईश्वर हमें कभी भी ये नहीं कहते कि तुम कोई गलत काम करो, ईश्वर हमें हमेशा सही राह पर चलना सिखाते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर के
प्रभु को शीश झुकाना सीखो से तात्पर्य ये है कि प्रभु को प्रणाम सच्चे मन से करें और ईश्वर को साक्षी मानकर हर काम हम करें, कि हमारे हर काम को ईश्वर कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। साक्षी भाव से हम हर काम को करें तो ही वो काम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला काम होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? उम्मीद है कविता का भावार्थ आपने समझा होगा और समझ में भी जाना भी होगा। और ये कविता बहुत ही अच्छी है, हर एक पंक्ति अपने अंदर गागर में सागर भर के रखी हुई है। हर पंक्ति का अर्थ मैंने बखूबी आपको समझाने की कोशिश की और आपने समझा भी होगा। इस कविता को बच्चों मेरी बार बार आपसे यही बार बार गुजारिश है कि आप इसको याद करिए और उसको गुनगुनाइए। जब आप गुनगुनाएंगे तो उसकी पंक्तियों को अपने जीवन में ढालने की भी कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, अब इस कविता को आपको सुंदर सुंदर लिखना है, यह आपका आज का गृह कार्य है। अभी मैं अब आपको अभ्यास सागर की तरफ ले चलना चाहूँगी। आज ही हम लोग अभ्यास सागर भी कर लें, क्योंकि इस पाठ से तो अभी कोई प्रश्न वगैरह है नहीं, तो पाठ तो हमने समझ लिया, जान लिया, याद करना है और लिखना है वो आप कर लीजिएगा। अब हम लोग अभ्यास सागर की तरफ आएं। अभ्यास सागर में ये प्रश्न मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। आपने सीखो कविता से क्या क्या सीखा, उसे डायरी रूप में लिखिए। प्यारे बच्चों, डायरी को हम लोग दैनंदिनी भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं डायरी को? दैनंदिनी। डायरी लेखन आप लोग इंग्लिश में भी लिखते होंगे, डायरी राइटिंग। या अब हिंदी में डायरी लेखन की क्या एक हल्का सा प्रारूप समझ लीजिए। डायरी जब आप लिखते हैं तो ऊपर उस दिन, उस तिथि को डालते हैं, उस तारीख को डालते हैं। जैसे आज मैं डायरी लिख रही हूँ तो मैं आज लिखूँगी 7/5/2020, ठीक है। फिर 7/5/2020 लिख दिया मैंने, ऊपर लिखा दिनांक। और फिर समय, यदि मैं शाम को लिख रही हूँ 8 बजे, यदि मैं 9 बजे, या दिन में लिखी, अगर मैंने दिन में लिखा होगा तो मैं दिन, जो समय, जैसे शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे, तो आप समय भी लिखिए। ये दो पंक्ति लिख लिया, उसके बाद आप अपने विषय पर आएंगे। विषय में बहुत से लोग डेली डायरी लिखते हैं, हर दिन लिखते हैं। तो अगर डेली डायरी लिखते तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि आज मैंने ये मुख्य घटनाएं, डायरी बहुत विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें मुख्य घटनाएं और घटनाओं को भी संक्षिप्तता के साथ और अच्छी भाषा का प्रयोग करके लिखना होता है। एक बात जरूर ध्यान रखिए, डायरी लेखन में सच्चाई और ईमानदारी से लिखिए। कहीं भी आप किसी चीज़ से प्रभावित होकर मत लिखिए कि मेरी डायरी को कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा। डायरी आपको अपनी बातों को शेयर करने के लिए होती है, अपनी बातों को बांटने के लिए होती है। कई बार आप अपनी बातों को सबसे नहीं बांट पाते तो उसे आप डायरी में लिखते हैं। वो एक मित्र की तरह है, आपके एक परिवारजन की तरह है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर आप पूरी ईमानदारी बरतें जो भी बातें आप लिख रहे हैं। तो और मुख्य घटनाओं को लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन लिखें, किसी दिन कोई खास बात हुई तो आप उसको लिखेंगे, ठीक है। और अंत में जब आप डायरी लिखना बंद कर रहे होते तो अंत में अपना नाम जरूर लिखिए, ताकि पता चले कि ये किसने लिखा है। इतनी बात समझ में आई? तो प्रारूप तो कोई खास नहीं है, ऊपर दो लाइन ध्यान रखिएगा, पहले बाई साइड में ही शुरू करिएगा, पहले दिनांक, फिर समय, फिर अपने मुख्य विषय पे आ जाइएगा, विषय वस्तु को पूरा करके, और नीचे अपना नाम लिख देना, बस, ठीक है। तो आज आपका विषय है कि सीखो कविता से आपने क्या सीखा, इसको अपनी भाषा में डायरी में लिखना है। तो आपने तो मैंने समझाया, आपने निश्चित रूप से सीखा होगा, उसको अपनी भाषा में आपको लिखना है। चलिए इसी के साथ मैं अपने सत्र को यहीं पर रोकती हूँ।
धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, बहुत खुश रहिए और खूब प्रसन्न रहिए और खूब जागरूक और ऊर्जावान रहिए।